She was preparing for NEET. All efforts of the family were towards her. Whatever they were earning, 90% we are contributing. That also we want to help them in every possible way. जो भी हमसे हो पाएगा, जो भी हमसे हो पाएगा हर चीज करेंगे। इनकी फैमिली, शी वाज द यंगेस्ट, ये उन्हीं के लिए सब कुछ करते थे एक्चुअली। देखो काबिल लड़की थी, उसने इतने नंबर लिए। यस, शी वाज बोर्न टू बिकम ए डॉक्टर। यस, नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, उसको डॉक्टर बनना था। हमारे लिए इंस्पिरेशन थी, कम्युनिटी के लिए। एज सच यहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है, इट्स वेरी परसेंटेज इज वेरी लो, so that way she could have been inspiration for all of us, even बिल्कुल जो उनके younger भी थे, but unfortunately incident हुआ था। मेटल जो देते हैं ना, फिर मजदूरी करते हैं, कारपेट जो बनाते हैं हाथ से, ये तो वैसे भी शुगर पेशेंट है, कर नहीं सकते। उसके लिए इन्होंने बोला कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन इसको पढ़ाऊंगा। करते नहीं थे, लेकिन जब सब ने कहा कि ये अच्छी पढ़ते तो इनको पढ़ाओ, फिर इनकी दिलचस्पी और बढ़ने लगी कि मैं इसको पढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने वो कालीन बनाना शुरू किया। लेकिन अब चलो, ये हमारी तरफ से एक मदद है मुश्किल घड़ी में। सर एक रिक्वेस्ट है, अगर मेटल जो देते हैं ना, फिर मजदूरी करते हैं, कारपेट जो बनाते हैं हाथ से, क्योंकि ये तो वैसे भी शुगर पेशेंट है, कर नहीं सकते। उसके लिए इन्होंने बोला कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन इसको पढ़ाऊंगा। करते नहीं थे, लेकिन जब सब ने कहा कि ये अच्छी पढ़ते तो इनको पढ़ाओ, फिर इनकी दिलचस्पी और बढ़ने लगी कि मैं इसको पढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने वो कालीन बनाना शुरू किया। जो भी हमसे हो पाएगा हर चीज करेंगे।